पिता की मौत के बाद अब कोरोना संक्रमित हुई हिना खान, कहा सभी की दुआओं की जरूरत है। अभिनेत्री हिना खान के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल होता जा रहा है। एक ओर जहां हाल ही में हिना खान के पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, तो वहीं अब अभिनेत्री कोरोना संक्रमित हो गई हैं। हिना खान ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है। क्या है हिना खान का पोस्ट? हिना खान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद कठिन और मुश्किलों से भरे इस वक्त में मैं कोरोना संक्रमित हो गई हूँ। डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कर रही हूँ। जो भी लोग बीते कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वो कृपया करके अपना कोविड टेस्ट करवा लें। मुझे आप सभी की दुआओं की जरूरत है। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। याद दिला दें कि पिता के निधन के बाद बीते दिन 25 अप्रैल को हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया था। हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में लिखा था, मेरे प्यारे पापा असलम खान 20 अप्रैल 2021 को हम सबको छोड़कर चले गए। इस मुश्किल वक्त में आप सभी ने मेरा और मेरे परिवार के बारे में चिंता की, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। मैं और मेरा परिवार अभी शौक में है, ऐसे में मेरे वर्क कमिटमेंट के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरी टीम हैंडल करेगी। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया हिना खान। हिना के पिता का निधन, गौरतलब है कि 20 अप्रैल को हिना खान के पिता का निधन हो गया था। जानकारी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया था। उस वक्त एक्ट्रेस अपने एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए कश्मीर गई हुई थी। वहीं पिता के निधन की खबर पाकर हिना खान फौरन मुंबई लौटी थी। हिना के पिता के निधन पर फैंस से लेकर कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के जरिए शोक जाहिर किया था।